बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप हैं एक यूट्यूबर और आप बनाना चाहते हैं बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जिसमें आपका एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड आ रहा हो, तो मेरी आप वीडियो पूरी देखें तो आप मोबाइल पे ही ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट बड़ा ही ज़बरदस्त बना लेंगे। तो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ काइन मास्टर। ये बेसिकली एक मोबाइल ऐप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ कि किन स्टेप के ज़रिए आप वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने काइन मास्टर की ऐप ओपन करनी है, जिस तरह आप देख रहे हैं वीडियो पे। ये प्लस का साइन बना हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे। एम्प्टी प्रोजेक्ट, उसके बाद आपने आ जाना है मीडिया में। मीडिया में आने के बाद आपने बैकग्राउंड में जाना है, या आप कोई भी अगर आप बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, टिक करना है। इसे एक दफ़ा डुप्लीकेट कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया। अब मैं यहाँ पे वो वाली वीडियो लूँगा जिसका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये वीडियो इसके ऊपर आ चुकी है। साइज़ अपनी मर्जी से हम एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो है क्रोमा की का, ये आपने इस पर प्रेस करना है। उसके बाद आपने क्रोमा की एनेबल कर देना है। ठीक है, अब ये आप ऑप्शन देख सकते हैं शो मास्क, इसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ग्रीन कलर रिमूव हो चुका है। और अगर आप इसकी सेटिंग मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह आप इसे हिलाते रहेंगे और सेटिंग चेंज होती रहेगी, तो जहाँ पे आपको फुल 100% रिज़ल्ट मिले आपने उसे चेक कर लेना है। वीडियो को आप चलाते हैं, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर बिल्कुल हट चुका है। थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा था, वो बेसिकली सेटिंग में है। जितनी अच्छी आप सेटिंग करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्रोमा की पे जाते हैं, सेटिंग आपने इसकी चेंज कर लेनी है। आप इसके इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें जैसे जैसे मैं इसे आगे पीछे करूँगा वीडियो की सेटिंग भी चेंज होगी। तो बेसिकली इन दो चीज़ों का फंक्शन है, इसके मुताबिक आपने इसे एडजस्ट करना है। और आप देखें वो ग्रीन कलर भी तकरीबन हट चुका है। ठीक है, अब इसे हम वीडियो को रन करते हैं। तो इस तरह से आप देखें ग्रीन कलर हट चुका है। इस किस्म के वीडियोस का बेसिकली फ़ायदा यह होता है कि जिस तरह आपने अपनी वीडियो बनाई और उसका बैकग्राउंड ग्रीन था, तो आप कोई भी बैकग्राउंड अच्छा सा लगा सकते हैं और इस तरह करके आपकी वीडियो की क्वालिटी भी एक अच्छी लगती है और देखने वाला भी आपसे इम्प्रेस होता है। तो अभी एक और भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने बैकग्राउंड में भी वीडियो ही रखी है। सेम वही स्टेप हमने रिपीट करने हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।